नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस समय जो हमारा अध्याय है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का अध्ययन कर रहे हैं, और भिन्न का अध्ययन करने में हमने कई चीज़ों को अभी तक पढ़ लिया। भिन्न के प्रकार पढ़ लिया, और भिन्न के प्रकार को पढ़ने के बाद हमने क्या कर लिया, तुलना के बारे में पढ़ लिया कि छोटी बड़ी भिन्न कौन सी है, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि मिश्र भिन्न को किस तरीके से उचित भिन्न में बदला जाता है, या किसी भी विषम भिन्न को कैसे मिश्र भिन्न में बदला जाता है। और उसके बाद एक पॉइंट हम लोगों ने और पढ़ा कि भिन्न को किस तरीके से हम प्रतिशत में बदलते हैं और किस तरीके से प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं। देखिए, सब चीज़ों के बाद मेरा पढ़ाया संपन्न तब माना जाएगा जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि भिन्न होती क्या है। भिन्न होता क्या है? भिन्न का मतलब भाग, भाग का मतलब हिस्सा, हिस्सा को हम कह सकते हैं अंश, आप समझिएगा इस तरीके से। भिन्न, भाग, हिस्सा, अंश, ये सारी सब चीज़ें एक ही हैं। अब इसको समझना कैसे है, अब आप सोचिए। समझना इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए यदि हम कहें कि मैं पांच रोटी रखा हूँ, पांच रोटी, इसमें से दो मान लीजिए कोई अनिल नाम का लड़का है, ठीक, कोई रीमा नाम की लड़की है, कोई सीमा नाम की लड़की है, ठीक। दो रोटी अनिल को, दो रोटी रीमा को, और एक रोटी सीमा को, तो यह आपका पूर्णांक में हो गया। क्या हो गया? ये पूर्णांक में हिस्सा है। मैंने बस इतना सा कहा कि मेरे पास पांच रोटी है जिसमें से दो रोटी मैं किसको दिया, अनिल को दिया, दो रोटी मैंने सीमा को दे दिया, और एक रोटी दे दिया रीमा को, तो यह तो बात स्पष्ट है। लेकिन अगर यही मैं कहूं कि मेरे पास एक रोटी है, इसका मैं तीन टुकड़ा किया, कितना टुकड़ा किया, तीन टुकड़ा, एक दो तीन, अब दो टुकड़ा दे दिया किसको, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि सोहन को दो टुकड़ा दे दिया, तो भैया दो टुकड़ा का मतलब दो है, पूरा टुकड़ा कितना है, तीन, पूरे तीन टुकड़े में से दो टुकड़ा दे दिया। ऐसा नहीं कहूंगा दो दे दिया, दो दे दिया इसका मतलब दो तो पूरा दे दिया, पूर्णांक, पूरी दो रोटी ही दे दी। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि दो टुकड़ा दे दिया, तो दो टुकड़े का मतलब क्या है कि मैं उसको तीन हिस्सों में से, तीन टुकड़े में से दो टुकड़ा मैंने किसको दे दिया, सोहन। और अब आपसे कह दिया कि मान लीजिए शेष टुकड़ा जो है, शेष, अब जो बचा हुआ टुकड़ा है वह क्या किया, मैं मोहन को दे दिया, तो बचा टुकड़ा कितना है, एक, यानी एक बटा तीन, तीन टुकड़े में से, तीन टुकड़ों में से मैंने दो दे दिया, एक को सोहन को, एक दे दिया मोहन को, तो तीन में से तीन मैंने यूज कर लिया, पूरी की पूरी रोटी खत्म हो गई। यही भिन्न की मूल अवधारणा है। चलिए दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं यह भी उम्मीद आपसे करूँगा कि आप भिन्न के प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से लगाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अब इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज हमें पढ़ना है भिन्नों का जोड़। क्या पढ़ना भैया? जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, भाग पढ़ना है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अब इन सब चीज़ों में सबसे पहले जोड़ घटाना को आप दूर रखिए, क्योंकि इसमें प्रक्रिया ज़्यादा है, और गुणा भाग जो है, गुणा भाग को सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसान है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हम आपका नया टॉपिक जो बता रहे हैं वह क्या है, भिन्नों का गुणा। क्या है मित्र? भिन्नों का गुणा। यदि आपको एक भिन्न दी गई ए बटा बी और गुणे दूसरी भिन्न दी गई पी बटा क्यू, तो आप क्या करेंगे, बस आपको कुछ करना ही नहीं, गुणे में क्या होता है, अंश का अंश से गुणा होता है, और हर का हर से, तो हो जाएगा ए पी बटा बी क्यू, ये आपका गुणा हो गया। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं ए बटा बी गुणे पी बटा क्यू गुणे एस बटा टी गुणे एन बाई एम, इतना कर दें, तो आप कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे सर अंश जितने भी आपस में गुणा कर दीजिए, ए पी एस एन, ए पी एस एन बटा बी क्यू टी एम, बी क्यू टी एम। तो मतलब क्या है, जब भी आपसे गुणा की बात करें, तो जो आपसे कहा कि भैया हम गुणा की बात कर रहे हैं, तो आप कह दीजिए सर जी गुणा कह रहा, तो इसका मतलब जो भी अंश है, अंश गुणे अंश हो जाएगा, चाहे कितनी भी भिन्न हो, बटा हर गुणे हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर गुणे हर, अंश गुणे अंश बटा हर गुणे हर, कुछ भी हो। अब एक चीज आप देखिएगा, आपको मैं कहता हूं
पाँच बटा तीन गुणे आठ बटा चार गुणे दो बटा नौ, यही करना है। तो आप कह देंगे सर पाँच बटे चालीस, चालीस दूना अस्सी, बटा तीन चौक को बारह, बारह नवा एक सौ आठ। अब ये अस्सी बटा एक सौ आठ जो है यही हमारा उत्तर है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। यही आपका क्या है, यही आपकी भिन्न का सही उत्तर है, यही असली में भिन्न का गुणा है। लेकिन अब एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भिन्न का उत्तर लिखते हैं, जब भी किसी भिन्न को लिखते हैं तो इसको सरल रूप में लिखते हैं। सरल रूप में का मतलब कि अब इससे छोटा भाग इसका ना हो। जैसे अब आप समझिए, जैसे मैं कह दिया दो बटा चार और एक बटा दो, अगर किसी भी चीज़ का उत्तर आता है दो बटा चार किसी भी प्रश्न का, एक तरीका दो बटा चार हमने सीधे लिख दिया, एक लिख दिया एक बटा दो, तो ज़्यादा सही कौन माना जाएगा, ज़्यादा सही आपका माना जाएगा एक बटा दो। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यह सबसे सरलतम रूप में है। अच्छा अब इसको यहीं छोड़िए, जो मैं बार बार भिन्न को काट देता हूँ उसको देखिए आप कैसे काटते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि चार बटा सोलह, ठीक। अब आप सोचिए कि वह कौन सा नंबर है जो चार को भी काट दे और सोलह को भी काट दे, कौन नंबर है। चार को देखिए दो भी काट सकता है, सोलह को भी दो काट सकता है, चार को चार भी काट सकता है, सोलह को भी चार काट सकता है। लेकिन अगर मैं आठ से काटना चाहूँ तो क्या आठ से सोलह तो कट जाएगा, लेकिन चार कटेगा क्या, नहीं कटेगा। सबसे पहले चार बटा सोलह को हम क्या करें, दो से काटेंगे तो दो दूना चार, और उसी दो से काटेंगे इसको दो आठे सोलह। देखिए और अधिक बार कटेगा क्या, फिर दो को दो से काटिए, दो एक कम दो, यहाँ एक हो जाएगा और दो चौक को आठ, यानी चार बटे सोलह को हम क्या लिख सकते हैं, चार बटे सोलह को चार एक कम चार, चार चौक को सोलह, एक बटा चार हम लिख सकते हैं। और चार बटे सोलह का आसान रूप क्या होगा, एक बटा चार। अब आप कहेंगे कि सर इस चीज़ को हम कैसे समझें, तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है, चार बटे सोलह है, इसको आप चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। किसमें, अभाज्य गुणनखंड में। जब हम ल स म स पढ़ेंगे तब आसानी से समझेंगे, लेकिन उस चीज को अभी एक बार मैं बताऊंगा। सोलह को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, ठीक। एक दो से एक दो कट गया, क्योंकि बटा का मतलब भाग ही देना तो होता है मित्र। अब अगले दो से इस दो को काट देंगे तो ऊपर क्या बचा, एक, नीचे क्या बचा, दो गुणे दो चार, बस एक बटा चार हमारा क्या हो गया उत्तर। बुरा हो गया आपका। चलिए अभी इसमें एक चीज और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 15 बटा 25, अगर आपको इससे दिक्कत होती तो 15 को आप 3 गुणे 5 लिख लीजिए, मतलब ऐसे पार्ट में करिए कि या फिर इससे ज्यादा टूटे ना, 25 को 5 गुणे 5 कर दीजिए, तो ये देखिए 5 5 कट जाएगा, हो जाएगा 3 बटा 5। या अगर आप अपने कैलकुलेशन अपने प्रैक्टिस के हिसाब से तेज कर लिए हैं तो 15 बटा 25 को 5 दिया है 15, 5 बचे 25, 3 बटा 5 आप सीधे लिख सकते हैं। ये बात समझ गए आप। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बटा 10 गुणे 8 बटा 4 गुणे 5 बटा 4, अब बताइए इसका इसका गुणा करके दिखाइए। तो आप इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 8 गुणे 5 बटा 10 गुणे 4 गुणे 4। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 2 आठे 16 पचे 80 हम कर देते हैं, और बटा 10 चौको 40 चौको 160, ये कर सकते हैं। यही आप मुझसे कहेंगे ना कि सर सीधा सीधा हम गुणा कर दें। जब सीधा सीधा आप गुणा कर दें 80 बटा 160, अब आप देखेंगे इसको 80 कम 80, 80 दूना 1 बटा 60 यहाँ आगे करते हैं, तो ये थोड़ी सी आप गलती कर रहे हैं, आप अपना समय का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही देखिए इसको काट दीजिए, जैसे 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चौको 8, 4 से 4 कट गया, 5 से 2 कट गया, सीधा सीधा 1 बटा 2 हो गया। यानी कि यह क्या है, भिन्न का गुणा जब भी करते हैं तो अंश का अंश बटा हर में, अगर इसमें कोई नंबर है उस नंबर से ये हर कट रहा है तो इसको काटिए, और हर में कोई नंबर उससे अंश कट रहा है तो अंश को काटिए। अगर दोनों में कोई एक कॉमन नंबर है, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर लिखा है 5, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने 20 बटा 25 कर दिया, तो 20 बटा 25 को 5 एक ऐसा नंबर जो इसको भी काट देगा, 5 चौको 20 और 5 बचे 25, 4 बटा 5 हो जाएगा। ये बात आप समझे, बिल्कुल समझना पड़ेगा। आप सभी लोग कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो मेरे दोस्त
फिर से आप उस चीज़ को छोड़कर, उस काम को छोड़कर इस क्लास को अटेंड कीजिए, और आपके पास आपकी कॉपी और कलम ज़रूर होनी चाहिए। मैं जितने एग्जाम्पल लिखता हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, अब बात समझिए। एहसान नहीं करने का मतलब न मैं आप पर कर रहा हूँ न आप मेरे पर कर रहे हैं। हाँ, हम दोनों का एक सहयोग है, हमारा एक वादा हुआ है कि सर 30 में हम 25 हमको लाना है, आपने ये इरादा बना लिया तो हमने भी ये मन में अपने योजना बना ली कि भैया अगर बच्चे इतना तैयार हैं तो हम भी इतनी मेहनत करेंगे कि इनका 25 नंबर हम ला कर देंगे 30 में से गणित में। लेकिन यदि यह केवल इरादा मात्र बनाए हैं तब तो ये मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, आप अपनी मेहनत करिए। देखिए, हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक ये आपका पक्ष हो गया, एक मेरा हो गया। मैं तो अपनी 100% कोशिश करता हूँ कि जितना बेसिक लेवल से पढ़ा सकूँ उतना बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ। और दूसरा आपका जो पक्ष है वो क्या है कि कितनी ज़्यादा ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं, खुद से कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका पक्ष है और इसकी जिम्मेदारी अब आपकी। यदि आप बताएं आपके किसी डाउट को सॉल्व ना किया जाता होगा, आप किसी भी कहीं भी आप देख लीजिएगा, जितने बेसिक से मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ शायद टेट और सीटेट के लिए कोई आपको पढ़ाए। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको 1 to 8 क्लास तक की चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना अनिवार्य था। अगर बचपन में आपने नहीं पढ़ा, किसी कारणवश भूल गए या कुछ भी गलती हो गई, तो ये कमी आपकी है और इसको दूर करने के लिए मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। और कोई खड़ा होता है नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा ये केवल आपसे एक डिमांड है कि प्लीज़ आप भी उस मेहनत में मेरे साथ लगे रहिए, खूब तन मन धन से लगे रहिए। और इससे ज़्यादा सरल तरीके से पढ़ाना तो यह आपका भी अपमान है, मेरा भी अपमान है और पूरी गणित का अपमान है। तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और उन चीज़ों को समझिए। अब एक चीज़ हम समझते हैं, सबसे पहले थोड़ा ज़रूरी है, वह है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए, आपको तो मैं बताया था लेकिन फिर भी एक बात जान लीजिए, इसका काम पड़ेगा आपको LCM SCF में। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य का मतलब क्या है? जो एक और स्वयं के अलावा ना कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से ये नंबर हो गया। गुणनखंड का मतलब गुणा करने वाले खंड, गुणनखंड का मतलब गुणा प्लस खंड, मतलब वो आपस में गुणा भी करते हों और टुकड़े टुकड़े भी हों। जैसे अगर 4 है, 4 को मैं लिखा 2 × 2, तो ये देखिए आपस में गुणा भी कर रहे हैं और 2 टुकड़े भी हो गए 4 के, खंड भी हो गया और गुणा भी है, तो गुणनखंड ये हो गया। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो किसी और संख्या से ना कटे एक और स्वयं के अलावा। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि चलिए भैया अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, मैं कहा कि भैया 8 का निकालिए, तो आप 8 को ऐसे बनाएंगे, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। फिलहाल आप इतने का ही देखिए। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, देखिए जा रही है भाग, 2 × 4 = 8 चली गई भाग। फिर 2 से भाग दीजिए, 4 × 2 = 4। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना? 1। जब 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए, यानी 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 × 2 × 2, 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। अगर मान लीजिए यही मैं कहता 18, तो आप क्या करते? 2 × 9 = 18। अब 9 किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा, तो अगला नंबर हमारा क्या है? 3 से ट्राई करते हैं, 3 × 3 = 9, फिर 3 से करिए 1 आ गया, बस। अब क्या हो गया? 2 × 3 × 3, ये हमारा क्या हो गया? 18 का 3 अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब जैसे इस चीज़ को बताने का मतलब क्या है, जैसे अगर कहीं भिन्न में आपको मिल जाए 8/18, तो अभी आपने 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला? भाग विधि से, 2 × 2 × 2 हो गया, और 18 का कितना हो गया? 2 × 3 × 3 हो गया, 1, 2 से 1, 2 कट गया, तो अब आपको बचा 2 × 4/3 = 9। यही आपका आसान रूप है, 4/9 ही आपका क्या है? ये 8/18 का सरल रूप है। और वो कैसे आप जान गए? अभाज्य गुणनखंड निकाल कर। चलिए, मैं आपसे कहता हूँ कि भैया आप 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कुछ नहीं करना, 2 से भाग दीजिए 12 बार में, 2 से भाग दीजिए 6 बार में, 2 × 3 = 6, 3 से भाग दीजिए 1 बार में। तो ये चीज़ तो समझना है, ये तो सब लोग कर लेते होंगे। अब 35 है,
अब 35 में आप देखिए 2 से भाग जाएगी। आप तुरंत अपने मन में सोचिए ना कि मैं आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, यहाँ दोहरा लेंगे, इकाई के अंक पे 5 है नहीं कटेगा 2 से, 3 से कटेगा, 5 3 8 दोनों का योग 8 है नहीं कटेगा, 4 से कटना ही नहीं है। अब 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 7 किससे कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा 1, तो 35 का 2 अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या क्या 5 × 7, ठीक। अभाज्य गुणनखंड अब आप निकाल लेंगे, चलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप निकाल लेंगे। अब मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आप फटाफट चीज़ों को कर ले जाए। जैसे मैंने कह दिया 27/35 ये कटेगा नहीं कटेगा, अगर 27/36 कर जाए तब आप देखेंगे 27/36 3×9 = 27 12×3 = 36 और उसके बाद क्या है 3×9 = 3×4 = 12। या आप एक बार में 27/36 को ऐसे देख लेते, आपके सामने 27/36 हमने लिख दिया, आपका ये 9 का पारा पड़े, 9×3 = 27 9×4 = 36। देखिए एक ही नंबर से 9 से ही 36 को काटा, 9 से ही 27 को काटा, मतलब अंश बटा हर है। अगर इसको काट रहे हैं आप तो कोई एक ही नंबर से इसको भी काटिए इसको भी काटिए, ऐसा नहीं है कि आप कह दिए भैया 24/45 है तो लेवा हम इसको 8 से काट दिए, 8×3 = 24 इसको 9 से काट दिए, 9×5 = 45, ऐसा कतई नहीं करेंगे आप। आप क्या करेंगे, अगर 24/45 है तो आप देखेंगे कि किस नंबर से काटे, कौन सा ऐसा नंबर है। देखिए 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3×24 15×3 = 45, बस 8/15 हो गया। तो ये हमारा था काटने का तरीका भिन्न को, यही अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको एक बार देखिए आप, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है। अगर हम आपको कह दिए 5/8 × 9/15 × 4/3 हो गया, अब हम आपसे कह दिया गुणा करवा दीजिए, तो आप इतने समझदार अब हो चुके हैं, इतना आप समझ चुके हैं कि सर जो कहे इसको तो हम एक चुटकी में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, देखिए कौन किससे कट रहा है, 3 से देखिए 3×9 3 बार में कट गया, 4 से काट दीजिए कितना बार में 4×2 = 8, 5 से काट दीजिए 5×3 = 15, इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, ऐसे हो गया। चाहे आपका मन नहीं मान रहा है तो आप गुणा करा लीजिए, 5×9 = 45 / 180/15 × 120 = 120 कितना होगा 360, 1 × 0 = 1 काट दीजिए 18×18 = 18 × 2 = 36 आखिर 1/2 वही तो आ गया। तो हम इतना बड़ा गुणा क्यों करें, अगर हमारे पास सुविधा यही हमको खंड खंड मिला हुआ है हम यही काट दें इसको तो गुणा करने की आवश्यकता ही क्या है। तो ये ऐसे काट के अब आप देखिए इस पूरी संख्या का गुणा का उत्तर 1/2 आएगा, 180/360 तो आएगा लेकिन इसका सरल रूप लिखेंगे कितना 1/2, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज और, गुणा करते समय मान लीजिए कहीं उत्तर आ गया आपका 15/7, क्या आ गया उत्तर आपका 15/7, कोई अच्छा कलर चूज करें, रुके जो थोड़ा सा सुंदर लगे, एक मिनट, ठीक गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, गड़बड़ कलर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कलर गड़बड़ हो गया है तो टेंशन मत लीजिएगा, इसकी नींद थोड़ा बड़ी हो गई है बस, ठीक। चलिए अब मान लीजिए कहीं पर आपका आ जाता है उत्तर 15/7, 15/7 आ गया तो आप 15/7 आप मत लिखिएगा मेरे भाई, आप क्या करिएगा, सर बताए हैं हमको कि कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं, 15/7 यानी 15 में 7 से भाग देना है, 7×2 = 14, 1 = 6, तो इसको लिखेंगे कैसे 2 = 1/7, और इसको हल कैसे करेंगे 7×2 = 1/7, 7×2 = 14, 1 = 15/7 यानी 15/7 आपका उत्तर, यही चीज है 15/7 का परिवर्तित रूप 2 = 1/7 है। और हमेशा उत्तर आपका जो होता है, जो आपका आंसर होता है, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं, गुणा तो हमने देख लिया, गुणा एक बार मैं फिर आपको बता दूं, अगर कहीं लिखा है a/b × c/d × r/s × n/m × p/q तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये सीधे मान लीजिए इसको a c r n p ऊपर गुणा हो गया, नीचे हो गया b d s m q, इस तरीके से ये क्या हो गया आपका गुणा हो गया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है क्या हमारा भाग, क्या आता है भिन्नों की भाग, भाग मान लीजिए अगर हम कह दें, भाग का मतलब क्या होता है,
अगर हम आपसे कहें कि 3/5 भागे 4/15 करिए, 4/15, 3/5 भागे 4/15 कीजिए, तो देखिए जो संख्या पहले लिखी होती है ये भाज्य होता है आपका, क्या होता है भाज्य, और जो भाग के निशान के बाद लिखा होता है वो क्या होता है भाजक, क्या होता है भाजक, यानी भाजक से भाग दी जाती है, यानी इस 4/15 से इसमें 3/5 में भाग दी जाएगी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए तरीका समझिए, अगर आपके सामने है ये 3/5 भागे 4/15 है, तो भाग को आप क्या करेंगे यहाँ बदल दीजिए गुणा अपने मन से, और जो 4/15 है इसको लिख दीजिए 15/4, 15 को ऊपर 4 को नीचे, बस अंश को हर बना देना है, हर को अंश, तो ये क्या हो जाएगा 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 3 3 9, 9/4, आप भाग देके देखिएगा 3/5 भागे 4/15 में, तो 9/4 ही आपका आएगा, ये आपका क्या है आंसर। तो हमें क्या करना है भाग में, ये क्या करना है कि भाग निशान के बाद, निशान के बाद की भिन्न को, निशान के बाद की भिन्न को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब जैसे मैं कह दिया a/b भागे p/q है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये यही है a/b गुड़े q/p हो गया, और वापस इसका पुनः गुणा करा दीजिए आप aq/bp, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको भिन्न का गुणा और भाग ये तो समझ में आ गया, ठीक। अब भिन्न का जोड़ और घटाना, भिन्न का जोड़ और घटाना, ठीक है, जोड़ और घटाना का मतलब क्या है। अब एक कंडीशन है कि हर जब समान हो, क्या हो, हर जब आपका समान हो, जोड़ घटाना दोनों के लिए प्रक्रिया है, जब समान हर हो, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 2/5 + 3/5, मान लीजिए 12/5 + 3/5 कह दिया, तो आप देखेंगे अगर इन दोनों का हर समान है तो आप सीधा सीधा कहेंगे 12 + 3, अंश को आपस में जोड़ देंगे 12 3 15/5, ठीक, इसको काट दीजिएगा 3 हो जाएगा 3/1, ये समझ में आया। जब समान हर हो, समान हर हो, तो अगर मैं कहूँ 2/9 + 4/9, तो आप कहेंगे हर समान है, 9 लिख दिया नीचे, 2 और 4 को ऊपर, 2 + 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 6/9। अब इसको आप सरल कर दिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2/3 आपका आंसर आएगा। अगर सेम इसी तरीके से मैं कहूँ 5/8 - 2/8, ठीक, इस तरीके से, तो दोनों का हर क्या है समान है, 8 हो गया। अब क्या करना है 5 में से 2 को घटा देना है, जो कह रहा है, अगर जोड़ने को कह रहा है तो जोड़ दीजिए, घटाने को कह रहा है तो घटा दीजिए, 5 - 2, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और 3/8 आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यदि हर समान है। अब आप एक नोट लिखिए, यदि किसी भिन्न में या भिन्न का हर समान है तो क्या है, अगर जोड़ है तो क्या करते हैं अंश को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, अगर घटाना है तो क्या करेंगे अंश को आपस में घटा देते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत आसान चीज़ है और इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब अगर ये चीज़ आपका क्लियर हो गई तो अब एक चीज़ और बचता है हमारा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, हम सीधे सीधे करेंगे, अब बहुत ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, अब इससे बेसिक नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए 3/5 + 9/5, तो आप कह दें 9 3 12
5 हो गया। हमने कहा 8 बटा 7 माइनस 3 बटा 7, आपने कहा 8 में से 3 को घटाइए 5 बटा 7। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का हर बराबर है। देखिए हमने कह दिया 11 बटा 4 माइनस 9 बटा 4, तो आपने कहा कि 4 बराबर, इसलिए नीचे लिख दिया 11 में से 9 गया 2 बटा 4। हमने कह दिया कि 11 बटा 18 धन 15 बटा 18 लिख दिया, आप कहेंगे सर 18 18 बराबर है, तो हर बराबर है तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 11 और 25 कितना हो जाएगा 26 बटा 18, 2 बटा 4 12 बटा 5, 5 बटा 7, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गुणा पढ़ा, भाग पढ़ा, जोड़ पढ़ा, घटाना पढ़ा। और जोड़ घटाना कब पढ़ा? जब हमें क्या था, हर हमारा क्या था, हर हमको समान मिल रहा था। अब देखिए जब असमान हर हो, कठिन नहीं है लेकिन इसी में लोग गलती करते हैं। जब असमान हर हो, जैसे हमने कह दिया कि 1 बटा 3 धन 2 बटा 5, अब हम आपसे कह दिए कि भैया 1 बटा 3 और 2 बटा 5 अब इसको जोड़ना है, अब आप बताइए कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों का हर क्या है, असमान है, तो आप क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, पहले 3 से काटिए 3 एकम 3, यहाँ 5 रहेगा, फिर 5 से काटिए 1 और 1, अब 3 और 5 इन दोनों का गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 15, यही 3 और 5 का लसा होगा। क्या होगा? लसा। बस बहुत जल्द इसके बाद हम लोग लसा पढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड इतना तो सब लोग जानते होंगे, अब इतना आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप लोग माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग रुक जाइएगा 2-4 दिन, और आएगा क्यों नहीं, इसमें कठिन क्या है। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो 2-4 दिन रुकिए, मैं बहुत जल्दी आपको भिन्न भिन्न के बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दूंगा, जिससे आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बराबर आपका लॉस कितना हो गया 15। अब आप इस 3 से भाग दीजिए किसमें, 15 में, 15 में 3 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगी 5, यहाँ 5 लिखिए, गुणा ये कितना है 1, अंश लिख दीजिए प्लस। अब इस 5 से आप भाग दीजिए 15 में कितनी बार भाग जाएगी 3 बार, यहाँ लिखिए 3, गुणा यहाँ क्या है 2, आप लिख दीजिए। अब जोड़िए 5 एकम 5 प्लस 3 दुना 6 बटा 15, और 6 5 कितना हो गया 11 बटा 15, ये आपका उत्तर है। मतलब अगर आपको असमान हर मिलता है तो आपको पहले इसका हर क्या करना होगा, समान करना होगा, और वो किसके माध्यम से, एलसीएम के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, एलसीएम के माध्यम से। चलिए अब हम देखते हैं 2 बटा 6 प्लस 4 बटा 3, अब आप देखिए ये दोनों असमान है, तो 6 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, 3 यहाँ रहेगा, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 तिहाई 6, 6 हो गया आपका एलसीएम। अब इस 6 से भाग देंगे, जब 6 में इस 6 से इस 6 में भाग देंगे तो कितनी जाएगी भाग, एक बार 6 एकम 6, 1 गुणे यहाँ अंश क्या है 2 प्लस। अब 3 से भाग दीजिए 6 में, 3 दूना 6, 2 गुणे 4, 2 एकम कितना हो गया 2 प्लस 4 दूना 8 बटा 6 बराबर कितना हो गया 10 बटा 6, 2 से काट दीजिए 2 5 10, 2 3 6 5 बटा 3, अब इसको आप 5 बटा 3 को लिख सकते हैं 1 सही 2 बटा 3, ये तो बहुत बार हम लोग पढ़ लिए हैं। मेन आप अगर 10 बटा 6 तक आ जा रहे हैं तो आप भिन्न असमान हर वाली भिन्न का जोड़ कर ले जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद क्या है, देखिए हम कुछ प्रश्न और हल करते हैं। जैसे मैंने कह दिया 4 बटा 7 धन 1 बटा 21, अब 7 और 21 का आप एलसीएम निकालिए, कैसे निकालेंगे, 3 से भाग दीजिए यहाँ 7, 3 7 21, 7 से भाग दीजिए 1 1, अभी एक चीज़ बताऊंगा, ठीक। अब 3 7 21, इसका दोनों का आपस में गुणा कराइए, 3 गुणे 7 यानी 21 इसका एलसीएम होगा, 7 से 21 में भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगी 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे अंश कितना है 4 प्लस 21 से 21 में भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगी 1 बार, तो 1 गुणे 4, तो 3 चौको 12 प्लस 4 एकम 4 बटा 21, अब ये 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, 16 बटा 21, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है, आप इसको समझ गए, ठीक। अब एक चीज़ और देखिए, जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी के मन में आ रहा हो कि सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो
प्लीज़ मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि केवल गुणा भाग के अलावा और कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने वाली बात होती, कोई दिक्कत होती तो मैं ज़रूर रुकता और आपको पूरा अच्छे से समझाता। अब देखिए एलसीएम जब भी आप निकालें, जो भी संख्या दी है, जैसे मान लीजिए आपको 24, 15, 18 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इससे आगे तो नहीं जाएगा। पहले 2 से भाग दीजिए, देखिए जा रहा है, 24 में जाएगा जी बिल्कुल जाएगा, 12 में, 15 में जाएगा नहीं जाएगा, 18 में 2 9 18, फिर 2 से भाग दीजिए कितनी बार, 2 6 12, 15 में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा उसको उतार दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए 2 3 6 15 और 9, अब 3 से भाग दीजिए 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 से भाग दीजिए 1 5 1, अब 5 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 1 1 1, ठीक है इस तरीके से। तो अब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सबका गुणा करा लीजिए, 2 2 4 2 8 3 24 3 72, 72 5 0 360, मतलब 24, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 360। क्या करना है आपको, क्रमशः सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक। अब जब भाग देने के बाद जितनी बार भाग जाती है, जितने यहाँ, यही इसका गुणनखंड है, इसका आपस में गुणा करा दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, 7/5 ÷ 4/3, 5 और 3 का एलसीएम, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। आप एक चीज़ और जान लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 में जब 5 से भाग देंगे, 5 3 15, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 7 प्लस, अब 3 से 15 में भागिए, 15 में भाग दीजिए 3 5 15, तो ये हो जाएगा 5 × 4, ऊपर हो गया 21 प्लस 20/15 और ये हो गया 41/15, यही आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है, जितने लोग इन सब थ्योरेटिकल पार्ट को हवा में ले रहे होंगे या इनको कमज़ोर समझ रहे होंगे, जब वो परीक्षा में बैठेंगे तो उनको लगेगा कि सर तो बहुत बड़ी बात कह रहे थे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हों तो उनका लसा हमेशा उनका गुणनफल होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूँ 3, 5 और 7 का लसा क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कहिए 3 5 15 15 7 105, क्यों, क्योंकि 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। मैं आपसे कहूँ 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 10, 2 5 10, क्योंकि दोनों क्या है, अभाज्य हैं। मैं आपसे कहूँ 7 और 11 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 11 7 77 होगा, क्या होगा, 77। कोई टेंशन की बात है ही नहीं, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, वो तुम्हारी ये बात की बात है। 2 अभाज्य, अगर आपको लस निकालना है और 2 अभाज्य संख्याएं दी हैं, तो उसका लस क्या हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्याओं का लस उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब चलिए प्रश्न मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि 7/11 + 5/7, अब यही है 11 7 का लस कितना हो जाएगा बच्चों, 77 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य गुणा करा दिया, 11 से 77 में भाग दिया कितनी बार, 11 7 77 यानी 7 बार, 7 × अंश कितना है, 7 प्लस, अब 7 से भाग दीजिए 77 में, 11 बार जाएगी, 11 × 5 11 × 5, अब यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 7 7 49 प्लस 11 5 55 और पूरे 1/77, इसको जोड़ दीजिए 90 10 104 104/77, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 104/77। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इतना समझ में आया अब आपको, भिन्न का जोड़ आप कर ले जाएंगे।
अब देखिए आज की कक्षा में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसको अब एक बार रिवाइंड करते हैं। रिवाइंड करने का मतलब, सबसे पहले गुणा हमने पढ़ा। गुणा पढ़ा तो हम जान गए कि भैया सर बोले हैं अंश का अंश में गुणा और बटा हर का हर में, हर का हर में, खत्म काम। अब दूसरी बात सर ने बताया भाग के बारे में। भाग के बारे में अगर दिया है, जैसे मान लीजिए ए बटा बी भागे पी बटा क्यू दिया है, तो सर ने कहा है कि भैया कुछ नहीं करना है, ए बटा बी लिख के गुणे कर दीजिए और पी बटा क्यू को उलट दीजिए, क्यू बटा पी कर दीजिए। अब वापस ये हो गया गुणा, ए क्यू बटा बी पी हो गया, ठीक, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद सर ने हमको जोड़ पढ़ाया और क्या पढ़ाया, घटाना पढ़ाया, और इसके साथ एक शर्त रख दिया कि समान हर है। क्या है, समान हर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर ए बटा बी दिया है धन सी बटा बी दिया है, तो हम क्या करेंगे, बी को नीचे उतार लेंगे और ऊपर के अंश को जोड़ देंगे ए धन सी। अगर वहीं उसके बदले कहीं हमको दे दिया कि ए बटा पी माइनस बी बटा पी, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी बटा पी कर देंगे। इतनी चीज़ें तो सर ने आपको बताया जो बिल्कुल आसान थी, जो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते समझने वाली थी। लेकिन दिक्कत हुई कहाँ थोड़ा जाके, और दिक्कत नहीं कही जाएगी, थोड़ा सा कठिनता स्तर बढ़ा कहाँ पर जाके, वह कठिनता स्तर यहाँ बढ़ा कि आपको अब क्या मिल गया, हर जो है, हर जो है ये असमान मिल गया। तो सर ने क्या कहा कि अगर दे दिया जाए दो बटा पाँच धन तीन बटा दस, तो आपसे कहा सर ने कि पाँच और दस का लॉस निकालिए, तो आप जब लॉस निकालेंगे, ये आपका काम है, लॉस निकाल के देखिए, दस पाँच से दस में भाग दिया दो बार, दो गुणे दो धन दस से दस में भाग दिया एक बार, एक गुणे तीन, दो दूना चार प्लस तीन एकम तीन बटा दस, और ये हो गया सात बटा दस। इस तरीके से जोड़ बताया असमान हर वाले का, और असमान हर वाले का घटाना भी बता देते हैं सर। देखिए पाँच बटा आठ मान लीजिए हो गया, माइनस दो बटा चार हो गया। चलिए तो अब चार और आठ का लस क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। जब आठ से भाग देंगे तो एक बार जाएगी एक गुड़े पाँच, माइनस चार से भाग देंगे आठ में दो बार जाएगी दो गुड़े दो, तो ये हो जाएगा पाँच माइनस दो दूना चार बटा आठ, पाँच में से चार गया एक, एक बटा आठ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों कि असमान हर वाले में, असमान हर वाले में क्या करना है, हर को समान करना है। कैसे, LCM के माध्यम से। फिर जोड़ है तो अंश को जोड़ना है, और घटाना है तो अंश को घटाना है। बस इससे आसान चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब आपके लिए, आपके सामने प्रस्तुत है कुछ होमवर्क, आप चुपचाप से इसको लिखिए और खूब खुशी मन से इसको लगाइएगा। चलिए पाँच बटा नौ प्लस दो बटा अट्ठारह, दूसरा प्रश्न तीन बटा सात प्लस पाँच बटा चौदह, तीसरा प्रश्न दो बटा आठ प्लस तीन बटा चार, चौथा प्रश्न एक बटा नौ प्लस बारह बटा तीन। चलिए एक पांचवा प्रश्न लिखिए, जोड़ से पांच, हर किसी से पांच प्रश्न दूंगा मैं, दो बटा सात प्लस पाँच बटा सात। आपको मैंने पांच प्रश्न जोड़ का दे दिया, फटाफट से इसको नोट करिए, तब इसको आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं गुणा पर। हो गया, चलिए अब घटाने पर आते हैं। पहला क्वेश्चन सात बटा आठ माइनस तीन बटा चार, दूसरा दो बटा पाँच माइनस एक बटा पाँच, तीसरा ग्यारह बटा तीन माइनस दो बटा छः। क्वेश्चन नंबर चार है अट्ठारह बटा इक्कीस माइनस चार बटा सात। पाँचवा प्रश्न है उन्नीस बटा पैंतालीस माइनस इक्कीस बटा पैंतालीस, ठीक। पांच प्रश्न, ये आपका घटाने का क्या प्रश्न है, घटाने के पांच प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। कौन कौन से, सात बटा आठ माइनस तीन बटा चार,
दो बटा पाँच माइनस एक बटा पाँच, ग्यारह बटे तीन माइनस दो बटा छः, अट्ठारह बटा इक्कीस माइनस चार बटा सात, उन्नीस बटा पैंतालीस माइनस इक्कीस बटा पैंतालीस। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। चलिए गुणा लिख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन, अट्ठारह बटे सात गुणे इक्कीस बटा छः। दूसरा प्रश्न, पैंतालीस बटा नौ गुणे पंद्रह बटा छः गुणे इक्कीस बटा सात। तीसरा प्रश्न लिख लीजिए आप, ग्यारह बटे चालीस गुणे बीस बटा पाँच गुणे 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 पच्चीस बटा एक सौ इक्कीस। एकदम आसान आसान सा गुणा है। क्वेश्चन नंबर चार, एक कोई मन मन गुस्साएगा नहीं कि बड़ा बड़ा संख्या लिखते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सर बड़ा बड़ा आसान गुणा है। एकदम आसान गुणा तो है, हंसते मुस्कुराते हुए तो गाना सुनते हुए भी चाहेंगे तो आप हल कर देंगे, लेकिन अभी आप ऐसा कीजिएगा मत। चलिए, ग्यारह बटे पंद्रह गुणे पाँच बटा तीन गुणे उन्नीस बटा बीस। और एक पांचवा क्वेश्चन है, आसान सा ले लीजिए, एक बटा चार गुणे पाँच बटा आठ गुणे बत्तीस बटा दस। ये बत्तीस है, बत्तीस बटा ये दस है, बत्तीस बटा दस। तो ये आपका गुणा हो गया। पाँच जोड़ दिया मैंने, पाँच घटाना दिया, पाँच गुणा दिया, अब इसके बाद नंबर आता है पाँच भाग का। चलिए अब मुझे पूरा होमवर्क चाहिए, साफ साफ अगला होमवर्क भाग वाला। इक्कीस बटा पाँच भागे इक्कीस बटा तीन। दूसरा, उन्नीस बटा सात भागे बारह बटा चौदह। तीसरा, पंद्रह बटा पैंतालीस भागे पंद्रह बटा इक्कीस। चौथा, अठारह बटे बाईस भागे एक सौ अस्सी बटा ग्यारह। चलिए और क्वेश्चन नंबर पाँच हो गया, पैंतालीस बटा आठ भागे पंद्रह बटा चौबीस, पंद्रह बटा चौबीस। इन पांचों प्रश्नों को नोट कर लीजिए आप। तो आज इसको नोट करने के बाद अब आप मेरी कुछ बात ध्यान से सुन लीजिए, जो रोज़ प्रत्येक कक्षा में मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। और आज हमने भिन्न का क्या पढ़ा है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सभी प्रकार का पढ़ लिया, और सबसे संबंधित पाँच पाँच प्रश्न आपको होमवर्क में मिल गए। यानी कि आपके सामने बीस प्रश्न क्या है, होमवर्क है। तो आप इन 20 प्रश्नों को हल करिए और भिन्न को खूब शांति से खूब अच्छे से पढ़िए। अब इसके बाद एक लास्ट क्लास है, एक लास्ट क्लास किसके बारे में है, भिन्न के बारे में है। और उस भिन्न के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कुछ, उसको पढ़ा जाएगा। और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक क्लास में हो सकता है हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आपका होगा टेस्ट। ठीक है, संडे तक यह काम हो जाएगा। चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, खूब स्वस्थ रहिए एकदम, और मस्त होके पढ़िए लिखिए। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, क्लास देखने के लिए मेहनत से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।